नमस्कार, आनंद रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा। तो चलिए मैं बनाती हूँ आज की मजेदार रेसिपी। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा ज्यादा तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब लेंगे हम कटहल। तो हमने 250 ग्राम कटहल लिया, उसको इतने बड़े पीसों में काट लिया है। छील करके कटहल डाल देंगे इसमें। अब इसको भूनेंगे, तो इसको उतना भूनना है सुनहरा हो जाए। इसमें थोड़ा सा हम नमक भी डाल देंगे। देखिए भुन गया है, सुनहरा सा हो गया, कलर चेंज दिख रहा है आपको। और ये हल्का सा गल भी गया क्योंकि मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेंगे। ऑयल को थोड़ा सा कम कर देंगे इसमें से। अब गैस हमने फिर से जला दी है। इसमें डाल देंगे हम जीरा, एक तेज पत्ता, दालचीनी, दो साबुत लाल मिर्च। इसको ऐसे हम तोड़ के डालेंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे पहले। अब हमने लिया है 2 से 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 लहसुन का लिया। तो तीनों को हमने मिक्सी में डाल करके बिल्कुल पेस्ट बना लिया है बारीक। अब इसको डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको भूनेंगे थोड़ा सा। अब हमने 2 प्याज को बिल्कुल बारीक मिक्सी में डाल करके पीस लिया है। इसको डाल देंगे प्याज का पेस्ट। अब प्याज को भूनेंगे सुनहरा होने तक। हमारी प्याज भुन रही है। अब हम लेंगे दही। दही हमने करीब आधी कटोरी लिया है। इसमें थोड़े से हम मसाले डाल देते हैं। हल्दी, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम करीब 1.5 चम्मच लेंगे। गर्म मसाले ले लेंगे 1 चम्मच लेंगे। लाल मिर्च पाउडर। अब सबको मिलाएंगे अच्छी तरह से। तो हमने इस तरह से बिल्कुल मिक्स कर लिया है। देखिए अब प्याज भुन जाएगी, उसके बाद इसको हम डालेंगे। देखिए प्याज भून चुकी है, बिल्कुल तेज हो गया है प्याज में। अब गैस को थोड़ा धीमा कर देते हैं। इसमें हम डाल देंगे दही वाला पेस्ट जो बनाया था हमने अभी। अब इसको भूनेंगे और गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे फिर से। अब देखिए इसमें तेल छोड़ दिया, अच्छी तरह भुन गया है। अब डाल देंगे इसमें पानी थोड़ा सा। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें हम कटहल। पानी डाल देंगे इसमें करीब 1.5 गिलास पानी डाला है हमने। डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक हम पहले डाल चुके हैं तो उसी हिसाब से नमक डालना है हमें अपने स्वाद के अनुसार। बस मिला देंगे अच्छे से। अब इसको हम ढक देंगे और कटहल गलने तक इसको हम पकने देंगे। गैस को हम धीमा रखेंगे, धीमी गैस पे इसको हम पकने देंगे अच्छी तरह से। अब इसको देख लेते हैं, हम कटहल चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं गला है। देखिए कटहल बिल्कुल गल चुका है, कितनी आसानी से दब रहा है। देखिए आप बिल्कुल गल गया है कटहल। तो हमें रसीला कटहल चाहिए, तो इतना रसा बहुत अच्छा लगता है कटहल में। तो हम गैस को बंद कर लेते हैं। कटहल बन के हमारा तैयार हो चुका है, रसीला मज़ेदार चटपटा कटहल। लीजिए तैयार है हमारा
गर्मा गर्म रसीला कटहल मसालेदार चटपटा सा, देखिए बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं रोटी के साथ में। तो चलिए गर्मा गर्म रोटी के साथ में सर्व करते हैं इसको। चटपटा सा मसालेदार कटहल रोटी, गरम है, कटहल भी गरम है, ऐसे ही मजा आया खाने में। ऐसे गरम गरम आप परसेंगे इसको, आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए इसको हम एंजॉय करते हैं अब।